हेलो बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने पीएच का जो असाइनमेंट है वो भेजा है करके, अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे थोड़ा सुस्ती दिखा रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी करें, नहीं तो मैं घर फोन करूंगा उनके पेरेंट्स के पास। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, बट ना करना कोई कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, करना ही है आपको, एनटीएससी करनी है। ओके, देखिए सोल्ट की बात की थी हमने एक लेक्चर में, उसी से अब आगे बढ़ना है। सोल्ट का मतलब होता है एसिड प्लस बेस से मिलकर बनी कोई चीज। जनरली सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, जैसे अगर मैं NaOH, सॉरी एसिड लिख देता पहले, HCl प्लस NaOH की बात करूं तो इसे बनता है NaCl प्लस H2। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, तो बस थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पे जो सोल्ट है उसमें कैटायन होगा, यानी पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। पॉजिटिव को हम कैटायन कहेंगे। जब किसी एटम पे चार्ज आ जाता है तो वो आयन कहलाता है। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। जैसे Na पॉजिटिव कैटायन है, राइट? Cl नेगेटिव एनायन है, राइट? याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एनायन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई एटम नहीं है जिस पे चार्ज आया है। प्रोटॉन कोई कैटायन नहीं है। जब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तब हम उन्हें कैटायन या एनायन कहते हैं। ओके, सो सोल्ट में जो Na पॉजिटिव होगा वो कहां से आया है, या सॉरी मैं कहूं कि सोल्ट में जो Na पॉजिटिव है वो कहां से आया है, एसिड के पास से आया है, एसिड के पास से आया या बेस के पास से आया है? ऑब्वियसली बेस के पास से आया है। Cl नेगेटिव कहां से आया है, एसिड से, राइट? तो Na पॉजिटिव को हम बेसिक रेडिकल कहेंगे, बेसिक रेडिकल। किसी सोल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट होता है हम उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि वो बेस से आया हुआ होता है, राइट? और जो नेगेटिव पार्ट होता है हम उसे एसिडिक रेडिकल कहेंगे। वाई एसिडिक, या एसिड रेडिकल, क्योंकि वो एसिड से आया है। ओके, तो ऐसे ही कुछ सोल्ट मैं आपको देने वाला हूं, और जो मैंने आपको एक कुछ नोट्स भेजे हैं उसमें भी इन सोल्ट्स का जिक्र है, राइट? तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि K2SO4, इसको हटाते हैं, K2SO4 में एसिडिक रेडिकल कौन सा है? एसिडिक रेडिकल तो सल्फेट एसिडिक रेडिकल है, ये किसी एसिड से आया होगा, एसिडिक रेडिकल। ओके, और के पॉजिटिव की बात करें तो ये एक बेसिक रेडिकल है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं ये सोल्ट K2SO4 कैसे बना होगा, मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बट उन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताइए कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। ओके, तो कैसे बताएंगे? जो बेसिक रेडिकल है, राइट, जो बेसिक रेडिकल है उसके साथ OH मिला दो, मतलब K2SO4, ये K बेसिक रेडिकल है पोटेशियम, तो KOH इस बेस, ये बेस होगा, प्लस जो भी एसिडिक रेडिकल है उसके साथ H मिला दो, H पॉजिटिव SO4। अब SO4 तो 2 नेगेटिव होता है, राइट? H पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से इसको 1 से, तो ये होगा H2SO4। के पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बैलेंस है, मतलब ये सोल्ट KOH और H2SO4 से मिलकर बना है। मैं इस सोल्ट के बारे में एक और बात कह सकता हूं, ये सोल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम मतलब NH3, ये होता है अमोनिया, राइट? अमोनियम हमने क्लास में बात की थी, ईएम वर्ड आता है जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अमोनियम का मतलब है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। ओके, इसमें अमोनियम कैसा रेडिकल है, बेसिक या एसिडिक? ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कैटायन है, तो हम इसे बेसिक रेडिकल कहेंगे। इस सोल्ट में जो पॉजिटिव है वो बेसिक रेडिकल है और जो नेगेटिव है वो एसिडिक रेडिकल है।
राइट अब मैं पूछता हूं ये बताओ ये सोल्ट किस एसिड और बेस से मिलकर बना होगा, तो जो बेसिक रेडिकल है उसके साथ OH जोड़ दो, तो यानी अमोनियम NH4 के साथ OH नेगेटिव बैलेंस है, कुछ नहीं करना, इसका नाम बताओ अमोनियम, अमोनियम NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके जो एसिडिक रेडिकल है मतलब Cl नेगेटिव उसके साथ H पॉजिटिव जोड़ दो, बैलेंस है राइट, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये। ओके तो ये जो सोल्ट है ये इस एसिड और इस बेस से मिलकर बना होगा। ओके इस सोल्ट के बारे में मैं एक और बात ये कह सकता हूं कि ये सोल्ट एक वीक बेस, ये वीक बेस होता है बच्चों और इसके बारे में मुझे पता है आप सबको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके तो ये सोल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है। ओके ऐसे ही बच्चों आप दिए हुए सोल्ट के बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक रेडिकल है। बच्चों सोल्ट की भी फैमिलीज होती है, जैसे आपको बोला जाएगा ये सारे सल्फेट्स हैं, ये सारे सल्फेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, मतलब उन सारे सोल्ट्स में सल्फेट कॉमन है, जैसे ये एक फैमिली है फैमिली ऑफ सोल्ट्स, अगर सल्फेट की कोई फैमिली है तो उनमें कौन कौन आ सकता है, और भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। ओके सो सल्फेट्स मतलब ये ऐसे सोल्ट्स हैं जिनमें सल्फेट कॉमन है तो हम इन्हें सल्फेट्स कहेंगे। इसका एक और मतलब निकलता है कि ये सारे सोल्ट किसी कॉमन एसिड से मिलकर बने हुए हैं। सोल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस से राइट, एसिड जो नेगेटिव पार्ट होता है सोल्ट का वो एसिड से आता है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कॉमन है सब में सल्फेट है, इसका मतलब ये सारे सोल्ट किसी एक एसिड से मिलकर बनाए जा सकते हैं या ये एक एसिड से मिलकर बने हैं, सब में बेस अलग अलग है राइट, यहां NaOH यूज हुआ होगा इस सोल्ट को बनाने में, यहां KOH, यहां CaOH और ट्वाइस यूज हुआ होगा राइट। ऐसे ही कार्बोनेट्स की बात करें जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट राइट या दूसरे कार्बोनेट, तो इनमें क्या कॉमन है, कार्बोनेट्स कॉमन है, मतलब इस सोल्ट को बनाने में भी एक ही तरह का एसिड यूज हुआ होगा। ओके हाँ बेस अलग अलग है क्योंकि पॉजिटिव पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का मतलब है जैसे K2CO3, K2SO4, ओके ऑक्सलेट हो सकता है K2C2O4, ओके तो अब अगर इनमें देखो तो क्या कॉमन है, पोटेशियम कॉमन है राइट, और पोटेशियम कैसा रेडिकल होता है, बेसिक या एसिडिक, अगर पोटेशियम की बात करें तो वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब है वो बेसिक रेडिकल है, तो ये सारे पोटेशियम के सोल्ट हैं, मतलब इनको बनाने में एक ही तरह का बेस यूज हुआ होगा। ऐसे ही बच्चों सोडियम के बारे में कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट राइट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, इसका मतलब क्या है कि इसको ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें एक बेस कॉमन है, एक चीज कॉमन है, मतलब इसमें इसको बनाने में भी जिस तरह का बेस यूज हुआ है इसको बनाने में भी, हाँ एसिड अलग अलग यूज हुए दोनों में क्योंकि नेगेटिव पार्ट दोनों का अलग अलग है, यहां नेगेटिव है एसीटेट CH3CO नेगेटिव, यहां नेगेटिव है CO3 2 नेगेटिव यानी कार्बोनेट। ओके सो ये है बच्चों फैमिलीज, ऐसे कहते हैं कि भाई सोल्ट की फैमिली ये है। अगर बच्चों आपके पास नोट्स पहुंचे हैं तो वहां आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जैसे व्हाट टाइप ऑफ पीएच शुड बी द सोइल हैव फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए पीएच कितना होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए या पीएच कम होना चाहिए ये बताना है। सबसे पहले आपको पीएच का कंसेप्ट आई होप क्लियर है, पीएच अगर 7 से नीचे है इसका मतलब वो एसिडिक है राइट, और 7 से अगर ऊपर है तो वो वहां बेसिक मीडियम है या वो चीज बेसिक है। तो मिट्टी का पीएच जिसमें प्लांट्स उग रहे हैं
उसका पीएच कितना होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए या बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है, एक सेकेंड डिस्टर्बेंस है कुछ। तो बच्चों इसका जवाब है कि जो मिट्टी है जहां पे वो प्लांट्स होना है वो ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, मतलब ना तो उसका पीएच बहुत कम होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब पीएच 7 से बहुत ज्यादा हो तो भी अच्छा नहीं होगा, राइट। मतलब वो ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ओके, जैसे आपके पास जो नोट्स पहुंचे हैं उनमें आपने देखा होगा कि पोटैटो, अगर हम पोटैटोज की बात करें तो जहां पे वो होगा उसका पीएच 4.5 से 6 के बीच में होना चाहिए, राइट। मतलब 4.5 से अगर कम हो गया तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत एसिडिक चलेगा, अगर उसका पीएच 6 है चलेगा, बट 4.5 से भी अगर नीचे हो गया तो नहीं होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा तो वहां पोटैटोज या तो होगा नहीं, होगा तो उसका उसका जो जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कैरेट की बात करें तो 5.5 से 6.5, अगर गार्लिक टोमेटो इनकी बात करें 5.5 से 7.5, तो हम मोर और लेस ये कह सकते हैं कि मिट्टी ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए अगर हम प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, Why do we feel a burning sensation? Illustration है यहाँ, शायद आप देख पा रहे हैं, आपके पास भी गया होगा ऐसा एक, ये जो illustration ये देख रहे हैं, मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ, 18 पेज गए हैं आपके पास, उसका ये सेकेंड पेज है जहां से मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Why do we feel a burning sensation in the stomach when we overeat? What is the medicine used called? Give one example. Okay, देखिए आजकल आप घर में हैं तो मे बी आपको भी फील हो रहा होगा, कभी कभी आप ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में कुछ गर्मी या कुछ बेकार सी बर्पिंग डकारे आने लगती है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछता है ऐसा क्यों होता है, ज्यादा खाने पर हमारे पेट में जलन क्यों होती है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे पेट में HCL होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। कभी कभी ज्यादा खाने से HCL ज्यादा सीक्रेट होता है, HCL ज्यादा बन जाता है पेट में, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, राइट। अगर आप इस एसिड को खत्म करना चाहते हैं तो बाहर से आपको बेस खाना पड़ेगा, जैसे इनो या जो भी ऐसे सब्सटेंस है जो पेट की एक्स्ट्रा एसिड को खत्म करते हैं, वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं और उन्हें एंटा एसिड कहा जाता है, एंटा एसिड, एसिड का को खत्म करने वाला, राइट। मे बी ये वर्ड शायद एंटी एसिड से आया है, बट हम इसे एंटी एसिड नहीं कहते, ऐसे सब्सटेंस को एंटा एसिड बोला जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल इनो है, राइट, इनो एक एंटा एसिड है। अच्छा, व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5? बच्चों जनरली क्या होता है कि हमारे खाने में शुगर ज्यादा होती है, तो शुगर जब हम खाते हैं तो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में बदल देते हैं, राइट। मुंह के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, जैसे ही वो एसिड में कन्वर्ट होता है मुंह का पीएच, मतलब जो मैं माउथ की बात कर रहा हूं, इनसाइड अवर माउथ का पीएच तेजी से घटने लगता है उस एसिड के बनने की वजह से, और जब ये पीएच 5.5 से भी कम हो जाता है तो कैल्शियम फोस्फेट से बने हुए हमारे दांत, हमारे जो टीथ हैं बच्चों वो कैल्शियम फोस्फेट होते हैं, कुछ और नहीं, ये कैल्शियम फोस्फेट उस एसिड के साथ मिलकर घुलने लगता है, मतलब जैसे पानी में नमक घुलता है वैसे ही हमारे हमारी जो जो जो, जो टीथ है कैल्शियम फोस्फेट है वो मुंह के अंदर इनसाइड अवर माउथ दे स्टार्ट डिसॉल्विंग देमसेल्फ, राइट। जैसे ही वो घुलने लगते हैं उनका डीके स्टार्ट हो जाता है। अब अगर सपोज आपके नाक नमक के बने होते तो जैसे आप पानी पियोगे घुलकर सारे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, तो जब जब पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो उस एसिड के साथ कैल्शियम फोस्फेट रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, राइट, उससे टूथ डीके स्टार्ट होता है, राइट।
जो हम टूथपेस्ट करते हैं बच्चों वो बेसिक नेचर का होता है, वो इसलिए होता है कि ताकि माउथ का पीएच लेवल मेंटेन रहे। जो हम च्युइंगम खाते हैं जैसे हैप्पी डेंट, ये सब बेसिक नेचर की होती है। इनका मेन पर्पज होता है इनसाइड आवर माउथ द पीएच शुड बी मेंटेन। ओके, इनका पर्पज ये है कि वो चाहते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं, जो च्युइंगम वगैरह की बात कर रहा हूं, खाने के बाद जो हम ये खाते हैं ताकि पीएच हाई रहे, 5.5 से नीचे ना जाए। ओके, 5.5 से नीचे जाते ही दांतों का गलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एसिड्स और बेस की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कॉमनली अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं तो आप वहां जाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड ना बोलकर इसे कास्टिक सोडा कह सकते हैं, राइट? कास्टिक सोडा कह सकते हैं। ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का इसका मतलब क्या है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये सारी बातें NaOH के लिए आप देखेंगे। NaOH का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कमर्शियली कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिक नेचर का होता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ये डेलिक्विसेंट होता है, डेलिक्विसेंट, QUSCENT, डेलिक्विसेंट। देखो बच्चों, डेलिक्विसेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एटमोस्फियर से वाटर एब्जॉर्ब करके अपने आप को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हवा में खुला छोड़ दें तो ये एयर से वाटर एब्जॉर्ब करके, वहां पे आई होप आपने देखा होगा चिपचिपी हो जाती है चीजें, राइट? जैसे हम कहते हैं सील गई है चीज, राइट? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एग्जैक्टली ऐसा होता है, जब उसे एयर में ओपनली हम छोड़ देते हैं तो एटमोस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? और अपने आप को 100% ऑलमोस्ट 100% अगर आप वहां से रखे रहना देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। ओके, इस प्रोसेस को डेलिक्विसेंसी कहते हैं, और जो डेलिक्विसेंसी शो करते हैं उन सब्सटेंस को हम डेलिक्विसेंट के नाम से जानते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेलिक्विसेंट, इट मींस वो एटमोस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा, वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, राइट? वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सारी बातें लागू होती हैं, इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। देखिए, ये एक रिएक्शन है NaOH प्लस CO2। ओके, पहले इस रिएक्शन को देखकर ये बताइए, क्या ये रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच है? क्या आप ये जानते हैं कि CO2 एसिडिक नेचर का होता है? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हमने क्लास में एक वर्ड यूज किया था मूव, जिसका मतलब था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, CO2 एक ऑक्साइड है, किसका? कार्बन का। अब कार्बन एक मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल है। और अगर कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड बेसिक नहीं है, एसिडिक होगा। तो आप कह सकते हैं CO2 एसिडिक नेचर का है, ये रिएक्शन है एक एसिड और बेस के बीच। और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या क्या रिलीज होता है? तो H2O प्लस, दूसरी चीज और क्या बनेगी यहां से? सॉल्ट। ओके, सॉल्ट बनेगा बच्चों। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि NaOH, यानी एक तो Na रहेगा जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक कैटायन है, एक बेसिक रेडिकल है जो NaOH से आएगा, राइट? CO2 का बन जाएगा CO3, CO3 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ओके, बैलेंस करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। इस एसिड बेस रिएक्शन से ये सॉल्ट और ये वाटर रिलीज होगा। इसमें अगर मैं बात करूं एसिडिक रेडिकल कौन सा है, एसिडिक रेडिकल है कार्बोनेट, ये कैसा है?
एनए पॉजिटिव, ये बेसिक रेडिकल है। ओके, तो ये है एनएमएच प्लस सीओ टू की रिएक्शन। आगे देखते हैं बच्चों, तीन रिएक्शन को देखिए। एनएमएच एक बेस है, HCl एक एसिड है, राइट। सो NaOH प्लस HCl, OH नेगेटिव H पॉजिटिव से मिलेगा H2O, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सारी रिएक्शन ऐसे हो जरूरी नहीं है, बट एसिड बेस की ज्यादातर रिएक्शन इस तरीके से आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इस तरीके से प्रोसीड करा सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ऐसे। तो ये एक सॉल्ट बन गया, ये बेसिक रेडिकल है सॉल्ट का और ये एसिडिक रेडिकल। आगे देखिए बच्चों, ये टेस्टिंग है। OH नेगेटिव H2SO4, H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है? दो। एक H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो दो H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो OH नेगेटिव चाहिए। अब NaOH तो एक ही OH नेगेटिव दे सकता है, कोई बात नहीं, हम दो ले लेते हैं इसे। अब ये दो OH नेगेटिव आयन देगा, दो H पॉजिटिव यहां से आएंगे, तो कितने H2O बाहर निकलेंगे? दो, राइट। ओके, SO4 रह गया यहां, आई एम सॉरी, SO4 नहीं, SO42 नेगेटिव, जिसका नाम है सल्फेट। यहां पे आ गया Na पॉजिटिव। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Na2 ये प्लस वन है, वन ही रहेगा, ये फॉर्मूला हो गया। सोडियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है जिसमें सोडियम आयन बेसिक रेडिकल है और सल्फेट आयन एक एसिडिक रेडिकल है। ये भी कह सकते हैं ये एक सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, HNO3 में से H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव बाहर निकलता है। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, NO3 नेगेटिव का नाम है नाइट्रेट आयन, NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट आयन। ओके, तो यहां से OH नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर प्लस Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन है NaOH की एसिड के साथ। ओके, कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, आई रिपीट माय वर्ड्स, कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक होना क्या होता है? देखिए, एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब है, या एम्फोटेरिक उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो स्ट्रॉन्ग बेस में एसिड का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस का, मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक कहते हैं। न्यूट्रल नहीं, देखो, एसिड बेस न्यूट्रल एम्फोटेरिक, ये चार चीजें होती है। एसिड जानते हैं जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं जनरली, वैसे एसिड की और भी डेफिनेशन है। बेस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, न्यूट्रल जो ना तो एसिड के साथ एसिड जैसा बिहेव करते हैं ना बेस जैसा, वो न्यूट्रल होते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वाटर न्यूट्रल नहीं है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का है, जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, राइट। सो कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, आई रिपीट माय वर्ड्स, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हालांकि ये एक मेटल का ऑक्साइड है और MOB के अनुसार मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट मैंने क्लास में भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, राइट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा बट 100% सही नहीं होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, कुछ और रिएक्शन करते हैं। तो Al2O3 क्या लगता है, Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा? ये एम्फोटेरिक है, अगर ये एम्फोटेरिक है तो बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये एसिड है सामने बेस है तो रिएक्शन होनी होनी है। ओके, राइट। सो यहां से गैस करो क्या मिलेगा, H2O, एक तो H2O और एक मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट AlO2, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यहां लिख देते हैं नीचे एल्यूमिनेट।
एल्यूमिनेट वर्ड इसलिए आया क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेटा वर्ड बच्चों क्यों आता है, क्योंकि जब किसी सोल्ट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, मतलब और ज्यादा वाटर वहां से रिलीज नहीं हो सकता, इन दैट केस हम मेटा वर्ड यूज करते हैं। बट डोंट बी कंफ्यूज, फिलहाल आप सिर्फ इसे क्रैम कीजिए कि ये एम्फोटेरिक होता है, NaOH इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। ओके, अगले रिएक्शन पे आते हैं। जिंक ऑक्साइड, SnO2, ये सारे वही हैं, वाटर रिलीज करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों। ओके, एक सेकेंड देखते हैं इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, आपके सामने ये पांच रिएक्शन है, राइट? इन पांचों रिएक्शन में जो ये ऑक्साइड्स आप देख रहे हैं, ये पांचों के पांचों एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी। ओके, सो इन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको क्रैम करना पड़ेगा, बट क्रैम का एक छोटा सा तरीका हम डिस्कस कर सकते हैं यहां। ये रिएक्शन है एसिड और बेस की, क्योंकि एम्फोटेरिक है, यहां बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो ये एसिड और बेस के बीच रिएक्शन है। एसिड बेस की रिएक्शन में एक तो H2O बनता है। अब सवाल उठता है H2O के लिए तो दो एच चाहिए, रटने का तरीका है बच्चों, कोई रूल नहीं है, राइट? दो एच चाहिए, दो एच यहां पे आपको एक ही एच दिख रहा है, दो एच कब हो सकते हैं, जब यहां दो हो, राइट? तो ये हो जाएगा H2O, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या बाहर निकल गया, एक तो H बाहर निकल गया, सॉरी दो तो H बाहर निकल गए और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन अभी भी यहां रह गया, तो इससे बनेगा ZnO, एक O यहां से, एक O यहां रह गया, ZnO2, राइट? और इस पे चार्ज आता है -2 सोडियम आयन, एक Na पे +1 है तो Na2। अच्छा, इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड नहीं है। देखो मैं आपको एक बार कुछ बताना चाहूंगा, जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है, इस पे अगर नेगेटिव आ जाए तो ये बन जाता है सल्फेट या सल्फाइट। ओके, कार्बन है, ऑक्सीजन आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये बन जाएगा 8, मतलब कार्बोनेट। ओके, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, वैसे ही इसे हम कहेंगे जिंकेट। जिंकेट, इस 8 का मतलब है ऑक्सीजन है और उसपे साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। जिंकेट का मतलब है जिंक है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों इसका नाम है सोडियम जिंकेट। जिंकेट, ओके, अगली रिएक्शन की बात करते हैं सोडियम जिंकेट के बाद। चलिए, यहां पे एक एसिड है और एक बेस है, तो एक तो H2O बाहर निकलेगा, H2O के लिए फिर दोबारा दो एच चाहिए, दो एच के लिए दो, राइट? क्या बच गया, एक तो ऑक्सीजन, एक SnO, तो ये बन गया SnO2 सोडियम Na2। ओके, इसको कहते हैं बच्चों सोडियम स्टेनाइट, स्टेनाइट, स्टेनाइट। अच्छा, स्टेनाइट, स्टेनाइट वर्ड कहां से आया? अगर आप टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें Sn की, राइट? टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -2 -4 -4 प्लस, ये +2 है। ओके, अगर यहां +2 से ज्यादा आता, तो अगर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज्यादा होती तो हम उसको कहते हैं स्टेनेट, राइट? अगर +2 है, यानी मैक्सिमम नहीं है, +4 होती है मैक्सिमम, क्योंकि कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली का मतलब है 14 ग्रुप, 14 ग्रुप का मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ओके, सो +4 से अगर नीचे है तो आइट वर्ड यूज करेंगे, स्टेनाइट। अगर +4 है, मैक्सिमम है, तो स्टेनेट, एट वर्ड यूज करेंगे, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट, सल्फेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो जाती है तो एट वर्ड आता है, राइट? जब लेस देन मैक्सिमम होती है तो आइट वर्ड आता है, आइट। ओके, तो यहां देखें, अब यहां पे स्टेनेट आएगा। स्टेनेट कैसे आएगा, जैसे एक तो H2O बाहर आ गया यहां, अब H2O के लिए दो, राइट? तो एक ऑक्सीजन, ये तो ये बन गया SnO3, 2- Na2, तो इसका नाम है सोडियम स्टेनेट, राइट? स्टेनेट, एट, आइट नहीं, एट, सोडियम स्टेनेट। अब ये यहां पे भी कुछ ऐसा ही नाम आएगा, देखो एक तो H2O, अब एक H2O के लिए दो NaOH चाहिए,
तो क्या क्या रह गया, PbO तो यहीं पे था, एक O चला गया H2O में, एक O रह गया PbO2 प्लस Na2, सॉरी N2 Na2, Na2 PbO2, इसका नाम है सोडियम प्लेम्बाइट, Pb लेड होता है बट इसको प्लेम्बाइट बोलेंगे, प्लेम्बाइट ओके, सोडियम प्लेम्बाइट, वहां देखिए वहां है ये ओके okay, फिर दोबारा से करते हैं, दो एक H2O बाहर, एक H2O का मतलब दो H और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रह गया तो ये बन गया PbO3 सोडियम प्लेम्बेट, राइट बच्चों। तो ये कुछ रिएक्शन है जिसमें हमें दिख रहा है कि NaOH कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। बच्चों यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है, बट आपने वो पीएच के असाइनमेंट अब तक नहीं भेजे हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए और उनका पिक्स भेजिए। कुछ बच्चों ने भेजे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सारे बच्चों के नहीं आए, ये गलत बात है, आप मन लगाकर पढ़िए घर पे ओके। और इस टाइम को एज ए फ्री टाइम नहीं लेना कि इमरजेंसी है, कोरोना फैल रहा है तो मजे लेते हैं, पूरे दिन न्यूज चैनल देखते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तसल्ली से अपना ये भी काम कीजिए, आप कर भी रहे हो ऐसी बात नहीं है, बट और थोड़ा अच्छे से कीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे।